सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं उषा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। अमरोहा में आगामी निकाय चुनाव और प्रयागराज में हुई डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद से प्रदेश भर में हाई अलर्ट घोषित हो गया है। अमरोहा में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। एसपी के निर्देश पर शहर कोतवाली और पुलिस क्षेत्राधिकारी विजय राणा ने सड़कों पर भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया और अराजक तत्वों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सम्पन्न हो और कोई भी अशांति का माहौल ना बनाए, इससे पहले उसके लिए अलर्ट घोषित किया गया है और पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात को प्रयागराज में हत्या कर दी गई। ये हत्या बिल्कुल ऐसी घटित हुई जैसी किसी फिल्म की हो। बता दें कि हमलावरों ने दोनों माफियाओं को उनके सिर से गोली मार दी। गोली लगने से दोनों मौके पर ही ढेर हो गए। इस घटना के बाद सीएम योगी ने देर रात बैठक बुलाई। बैठक में राज्य के पुलिस अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए पुलिस को निर्देशित भी किया गया। औरैया प्रयागराज में हुई अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। वहीं जिलाधिकारी प्रकाश चंद श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक चारू निगम और पुलिस बल के साथ शहर में गश्त की गई। पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने लोगों से अपील की कि किसी भी अफवाह में ना आए। जिलाधिकारी ने हर जगह पुलिस लगाई है। सभी सेक्टर में पुलिस और प्रशासन पैनी नजर रखेगा। उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है। आइए मैं जानता हूँ औरैया के जिलाधिकारी प्रकाश चंद श्रीवास्तव से औरैया की किस तरीके उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहना है। सर, यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहिए। हमारे यहाँ 144 ऑलरेडी लागू थी, हम लोगों ने ये सख्त निर्देश दिए, उसका सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। अलर्ट मोड पर हैं हम लोग रात से ही अलर्ट मोड पर हैं। हमने जनपद को 4 जोन और 10 सेक्टर में डिवाइड किया है। हमारे सभी एसडीएम से लेकर तहसीलदार, नायब और अन्य एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट विद पुलिस ऑफिसर्स फील्ड में भ्रमण कर रहे हैं। वैसे ये जनपद अमन परस्त है, शांतिप्रिय है और यहाँ विगत में कोई भी कोई ऐसी घटना नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग पर्याप्त सजग हैं और ऐसी कोई भी कार्रवाई संज्ञान में आते हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। वही जनता से क्या करना चाहेंगे, चुनावी करीब में हैं और त्यौहार भी करीब में। हाँ, जनता से ये अपील है कि आप लोगों ने हमेशा शांति और भाईचारा का परिचय दिया है, इस अवसर पे भी शांति और भाईचारा का परिचय दें। कतई अफवाहों पे ध्यान न दें, सोशल मीडिया को फॉलो न करें। सोशल मीडिया पे कतिपय अराजक तत्व तो कुछ ऊटपटान डालते हैं, तो आप हमें फॉरवर्ड भी करें, हम उनके एडमिन के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जैसा कि पीसी श्रीवास्तव जी ने बताया कि किसी अफवाह पर ध्यान ना करें, अगर कोई सोशल मीडिया पर गलत खबर डालता है उस पर कार्रवाई भी की जाएगी और कोई भी गलत सूचना मिलती है किसी के अवैध तरीके की, उनको नंबर पर भी सूचना दी जा सकती है। प्राइम टीवी के लिए जय जगत रिपोर्ट और यह। प्रयागराज में हुई माफिया अतीक अहमद की हत्या पर नेताओं ने कई सवाल खड़े किए हैं। इस क्रम में सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अतीक की सुनियोजित हत्या हुई है। इसके साथ ही कहा कि अब उनके बच्चे बेटे भी मारे जाएंगे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए राम गोपाल यादव ने कहा कि पुलिस के हाथ में अतीक और उनके भाई अशरफ की हथकड़ी थी, ये सुनियोजित हत्या की गई है। जांच करने वाली एजेंसी सही होगी तो बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे। आगे उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, इसलिए अतीक को मारने वाले लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। राम गोपाल ने कहा कि जो कुछ हो रहा है ऐसा पहले कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। प्रयागराज में हुए अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उसके मोहल्ले कसारी मसारी और आसपास के इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरे इलाके में फोर्स की तैनाती की गई है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में
फोर्स लगाई गई है। बताते चले कि माफिया अतीक और अशरफ के शवों को आज ही चकिया कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। दोनों शवों को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है। बताया जा रहा है कि दोनों को आज ही दफनाया जाएगा। इसकी तैयारी की जा रही है। शनिवार को ही अतीक अहमद के बेटे अशद अहमद के शव को दफनाया गया था। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के बाद प्रदेश भर में सुरक्षा बढ़ गई है। प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है और सभी संवेदनशील इलाकों की निगरानी और चौकसी बढ़ाने के निर्देश भी प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद बॉर्डर से लाखों की निगरानी विकास विभाग पुलिस द्वारा बढ़ा दी गई है। बताते चले कि पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है और दिल्ली आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। चेकिंग करने के बाद ही उनको आगे बढ़ने दिया जा रहा है। यहां तक कि यात्रियों के बैग भी चेक किए जा रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर प्रवर्तन जोन 7 और प्रवर्तन जोन 5 की टीम ने कार्रवाई की है। शहर में अवैध निर्माण प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दुबग्गा क्षेत्र में लगभग 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। जानकीपुरम क्षेत्र में भू उपयोग के विपरीत किए जा रहे एक व्यावसायिक निर्माण को भी सील कर दिया गया है। अगली खबर पीलीभीत से है, जहां एक गरीब का आशियाना जलकर राख हो गया। आपको बता दें, गैस सिलेंडर पर चाय बन रही थी और बेटे सहित मकान के बाहर बैठी हुई थी कि अचानक मकान में जोरदार धमाका हुआ। धमाका होते ही मकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपेट तेजी से जलने लगी। आसपास के लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। घर में रखा सभी सामान जलकर राख हो गया। उसके पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना रहने के लिए घर और ना ही पहनने के लिए कपड़े हैं। 9 बजे, अच्छा 9 बजे चाय बनाओ। तो चाय बनाए के और चूल्हो जलाए के और पति पुती धर गए, चाय पानी ऐसे बंद रही, बन के हम चले गए। पैसा फिर लला हमारो अंदर हो, तो जब हम रुक गए तो हम जब भटाका बो तो हम भाजत भाई आए तो देखें तो देखे मार आगे फैल गई। भटाका बो बड़ा जोर आगे फैल गई, तलाई ऊपर आगे पो। हम जल्दी मंदी ऐसे ही घुस गया, मैंने जो हमारे लड़ते पागल है जाको खींच लाए ना, जो जल के भसम हो जा। तो अच्छा क्या क्या जल, क्या क्या जल गया? अरे सब चीज़ें जल गई, जो जी धरती की खोका दुकान ढले थे वो भी जल गया। और उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।